शेर हम भी बहुत बढ़िया लिखते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं। हम हास्य व्यंग के कवि हैं, जो कोई शेर किसी का पढ़ भी दे तो पहला श्रृंगार में दूसरा हास्य में चला जाता है। अब अगर मान लिया हम तहत के कवि हैं और कोई श्रृंगार की कोई लंबी लाइन तरन्नुम में खींच दे, लाइन लंबी हो जाए और दोबारा सांस न लौटे, तो एक बार ताली बजा दो तो एक दो शेर हमें भी याद आ रहे तो हम झोंक दें कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, कि हम तो उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तिरछा ही देखती है। मजा आया? तो एक शेर और झोंक दे। हम तो उनकी जुल्फों में अल्ताफ भाई, उनकी जुल्फों में दिल लगाए बैठे थे और पास जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे। एक बार जोरदार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दे। एक ऐसे शायर को, एक ऐसे रचनाकार को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो चेहरे से भी बहुत खूबसूरत है, वसीम रामपुरी। अभी कह रहे थे केवल चार शायरा हमारे मंच पे हैं और चेहरे से देखो तो वसीम भाई भी शायरे लग रहे हैं। बहुत अच्छे शायर वसीम रामपुरी को मैं माइक पे आवाज दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग दोनों हाथों पर उठाएं, एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करें भाई वसीम रामपुरी माइक। तुलसीपुर पहले भी मैं आया हूं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आज ऐसा लग नहीं रहा है, हालांकि इतनी कसीर तादाद में लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मतलब पढ़ता हूँ, चार मिसरे सदर मुशारा आपका तवज्जो से अकमल भाई सुनिएगा। कि तालीम की तहजीब की पहचान बनेगा, किरदार से भी सच्चा मुसलमान बनेगा, तालीम की तहजीब की पहचान बनेगा, किरदार से भी सच्चा मुसलमान बनेगा, डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा, डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान बनेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाह वाह, अरे वसीम भाई दोबारा पढ़िए भाई। वाह जी, शुक्रिया दोस्तों। अच्छा लग रहा है, नौजवान दोस्तों को अभी वो ऐसी टेंशन वाली शायरी दी जा रही थी, कह रहे थे प्यार मत करना। अरे अच्छी बात है जो प्यार का इजहार पहले करे। नौजवान दोस्तों, मुंतजी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे बार बार, हालांकि बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको अपनी उम्र में लौटाया जा रहा था। ऐसा होता नहीं, अच्छे दिन आ गए, ऐसा होने वाला नहीं है। कि तालीम की तहजीब की पहचान बनेगा, किरदार से भी सच्चा मुसलमान बनेगा, डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा, डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान बनेगा, हाँ पहले मगर। क्या आप लोग अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाना चाहते हैं? तो कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अच्छे शेर आपको सुना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो गीत से शुरू कर सकता था, लेकिन आप बहुत अच्छा सुनते हैं अकमल। ये बलरामपुर सबा रिजवी बना सकता है, सबा बलरामपुरी बना सकता है, रुखसार बलरामपुरी बना सकता है, यही बेकल उत्साही साहब भी पैदा हुए। आपको खुशी होना चाहिए। हुकूमत लाल टी शर्ट बैठ जा, आप तो चलने दो यार, 12 बज चुका है। हुकूमत कैसे चलती है तुम्हें ये सीखना होगा, अगर फुर्सत मिले तो देख लो तारीख आलम की। हुकूमत कैसे चलती है तुम्हें ये सीखना हो। भैया आप तो विकास भाई, चलो आप ही अगर करेंगे बहुत अच्छी आप निजाम भाई, प्लीज बैठ जाओ भाई। हुकूमत कैसे चलती है तुम्हें ये सीखना होगा, अगर फुर्सत मिले तो देख लो तारीख आलम की। हुकूमत करन जब आती नहीं है तुमको ना
हुकूमत कैसी थी देखो जरा फारूक आजम की। हुसैन साहब क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई। तो एक बार सारे लोग अगर ताली बजाए, मैं गीत गजल सब सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मैं चाहता हूँ। अकमल बल्लामपुरी में बहुत प्यारे दोस्त थे। नहीं नहीं दोस्तों, नहीं नहीं, अकमल भाई बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे। यहाँ इंडिया में वो इंटरनेशनल मुशायरा करने में मुशायरा है, उन्होंने नेपाल में भी मुशायरा कराया। ये आपकी शान है, संभालिए। एक मतला पढ़ता हूँ समाप्त मैं। हम अपने दर्द की सुनिए, हम अपने दर्द की अब तक दवा नहीं पाए, हम अपने दर्द की, हम अपने दर्द के अब तक दवा नहीं पाए, वो मेरे जख्म पा मरहम लगा नहीं पाए, वो मेरे जख्म पारे। शेर चैलेंज करता हूं कि कोई इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। समाप्त मैं। जो करके बैठे थे चेयरमैन साहब, जो करके बैठे थे हुआ दे अजीम कुर्सी पर, अगर बात सच्ची हो तो आपकी दुआएं मुझे मिलना चाहिए। जो करके बैठे थे, जो करके बैठे थे वादे अजीम कुर्सी पर, अभी तक एक भी वादा निभा नहीं पाए। भाई वाह वाह वाह, एक बार दोबारा पढ़ दीजिए भाई, क्या कहने हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम अपने दर्द की अब तक दवा नहीं पाए, वो मेरे जख्म पा मरहम लगा नहीं पाए, जो करके बैठे थे। बहुत मोतबर लोग बैठे हुए हैं, अगर सदर साहब मुझे अपनी दुआएं दे रहे तो आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा ना करें कि चांदनी शबनम के साथ में आप सेल्फी लेने के चक्कर में। अच्छा शेर, अच्छे शेर आप बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। आपकी रवायत है कि हम अपने दर्द की अब तक दवा नहीं पाए, जो करके बैठे थे, जो करके बैठे थे वादे असीम कुर्सी पर, अभी तक एक भी वादा निभा नहीं पाए। और तुम सुनिए विकास साहब, ये शेर। तुम हमको कोशिशें करते तो हो मिटाने की, तुम हमको कोशिशें, तुम हमको कोशिशें करते तो हो मिटाने की, खुदा का शुक्र है अब तक मिटा नहीं पाए। बहुत अच्छा शेर। तो एक बार तालियां आप बजाएं इस अरकीन कमेटी की तरफ तुलसीपुर वालों के लिए, इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया। समाप्त मैं। तुम हमको कोशिशें करते तो हो मिटाने की, खुदा का शुक्र है अब तक मिटा नहीं पाए, और न जान बसतियां। सुनिएगा मुल्ला जी, इसको पकड़िए। अरे टार्च, बैठो 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 बैठो, जो करना है यही शेर बैठो। न जाने, बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं इसलिए मैंने उसको रोका कि हो सकता है कल इसके काम आ जाए, सुना दे। न जाने बसतियां कितनी जलाई है तुमने, न जाने बसतियां, न जाने बसतियां कितनी चला है तुमने,
गरीब का एक घर बना नहीं। अरे भाई, अरे हुसैन भाई, अरे आई आई कहाँ जा, आओ अरे नहीं नहीं आओ हुसैन भाई, असल में वो जा थोड़ी रहे थे, वो अपना जो चेक कर रहे थे टेस्ट कैसा। ताली बजाओ जो जा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न जाने बस्तियां कितनी जलाई है तुमने, किसी गरीब का एक घर बना नहीं। और एक शेर, बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ता हूँ। अब भी इससे बगदाद मिलना चाहिए जिसके लिए हम भेजे गए हैं, इस रास्ते से अड़ गए, सुनिएगा। अब इससे और बुरा हाल अपना क्या होगा, अभी से और बुरा हाल अपना क्या होगा, आसान सुन के भी मस्जिद को जा नहीं पाए, अजान सुन के भी मस्जिद को जा नहीं पाए, न जान बस दिया। बहुत अच्छा सुनने। तो एक गजल वसीम भाई, पहली बार एक फरमाइश आई है, तुम जहर तो देते हो, दवा क्यों नहीं देते, कोई गजल आती है? अच्छा अच्छा, पहले मैं उससे अच्छी एक और गजल पढ़ना चाहता हूँ, फिर सुनेगा। बहुत अच्छा, वाह। शाम हो गई, सुनिएगा लड्डू साहब। चाचा, पहली बार, मैं बहुत छोटा था जब आपने मुझे बलरामपुर में लाया, पर अल्लाह करम है कि आज भी सलामत हूँ। आप लोग सुन लेते, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सुनिएगा कि शाम हो गई, चांद निकलने वाला है। सुनेगा, कसम है आपको, आप अच्छी शायरी पे दाद देते तो दीजिए मतले पे दाद। कि शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि आपके आगे पुलिस वाले बैठे इसलिए दाद दे रहे हैं आप लोग? अरे दाद दीजिए अच्छे शेर पे, और पुलिस वाले भी बैठे हुए इसलिए बैठे हुए कि अच्छे शेर पे वो भी दाद दे सके। सुनेगा, आप भी अगर इंसान हैं तो मेरे शेरों में शरीफ होइए। समाप्त फरमाएं और समाप्त फरमाएं कि शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। अरे नाम नहीं लूंगा, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। सुनेगा कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज नकल। सुनिए चाचा, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है, शोहरत। शोहरत भाई, अच्छा शेर नहीं क्या? तो एक बार सारे लोग तालियां बजाएं अगर आपको अपनी फरमाइश सुननी है। कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर, शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। और एक शेर और देखिए, इसी कड़ी में समाप्त फरमाएं, बतौर खास हाजिर करता हूँ। कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। सुनेगा, जरूरी नहीं कि शायरी में नाम आ जाए, मेरा शेर खराब हो जाए। कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे पंछी आपस में ये कहते हैं, सारे
कुछ आपस में ये कहते हैं, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। खुद ही बहुत अच्छे वसीम भाई, क्या कहने बाबा, खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। 1000 साल की तारीख देखिए और ये एक शेर देखिए। मैं खास हाजिर करता हूँ, कंजूसी आप ना करें, तालियों से हौसला दें छोटे से बच्चे को। मैं कि तुझ हमने जिसको दूध पिलाया है बरसों, हमने जिसको दूध पिलाया है बरसों, हमने जिसको दूध पिलाया है बरसों, सांप वही अब हमको डसने वाला है। सांप वही हमको डसने वाला है। और एक नौजवान, ये मेरे नौजवान जो गीत सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, एक शेर पहले सुन लीजिए कि जाओ सितारो। चेयरमैन साहब आप भी माशाल्लाह जवान हैं, भी सुन सकते हैं कि जाओ सितारो, जाओ सितारो, दूर कहीं तुम छुप जाओ। जाओ सितारो दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारो दूर कहीं तुम छुप जाओ, छत पर मेरा महबूब उतरने वाला है। छत पर मुझे अच्छा लगा, ये चचा मियां नहीं बुजुर्ग, ये बुजुर्ग जरूर है लेकिन सीने में इनके दिल जवान है अभी, और दिल कभी बुरा नहीं होता। अरे पढ़ दो दोबारा चेयरमैन साहब। माशाल्लाह, ऐसे 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 लीडर तो होने चाहिए। बहुत प्यारे इंसान है वो, उनके सीने में इस बात की गवाही दे चुके हैं कि उनके सीने में जो दिल है वो धड़क रहा है, और धड़कता ही दिल अच्छा होता है। समझ तुम्हें कि शाम हो गई चांद निकलने वाला है। जाओ सितारो, जाओ सितारो, दूर कहीं तुम छुप जाओ, जाओ सितारो दूर कहीं तुम छुप जाओ, छत पर मेरा महबूब उतरने वाला है। और तुझको तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान। सुनेगा, अगर पीछे तक आवाज आ रही ना, आ रही है तो सुनिए एक शेर कि तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तुझको मिटाने की खातिर सुन ले फिरवान, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। तेरे घर में, तेरे घर में मूसा पलने वाला है। एक शाम कौमी एकता का नाम, ये आखिरी मेरा इस गजल का शेर समाप्त मैं कि उर्दू जबान हर घर में बोली जाए, उर्दू जबान हर घर में बोली जाएगी, उर्दू जबान हर घर में बोली जाएगी, उर्दू जबान हर घर में बोली जाएगी, इसका जादू सब पे चलने वाला है। भैया अब ऐसा करो कि आप इज्जत दे रहे हैं तो ऐसा ना करो कि उतार भी लो, आप ही उतारो। नहीं नहीं, गीत, अरे नहीं यार, इतना शानदार मुशारा। बहुत अच्छा, तो ऐसा ही इनके बाद जो है जब जितने सब शायर पढ़ ले इनको रोक लेना, 13 दिन तक बोल के जाएंगे। सुनिए एक एक गजल जी। नहीं नहीं, एक फरमाइश है, शाम से फरमाइश चल रही है, उसके बाद में एक गजल, बहुत प्यारी गजल सुनाऊंगा, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, सुनिएगा।
तुम जहर तो देते हो, दवा क्यों नहीं? बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते? वाह, हवा क्यों नहीं देते? बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते? बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते? तुम जहर तो देते हो, दवा क्यों नहीं देते? दवा क्यों नहीं देते? किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों? सुनिएगा, किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों? मिटाते भैया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, वो आपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों? मिटाते हो हमें क्यों? किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों? किस्तों में फसादों से मिटाते हो हमें क्यों? एक बार सितम ढा के मिटा क्यों नहीं देते? मिटा क्यों नहीं देते? एक शेर बहुत अच्छा, इस वक्त आप वहां तक पहुंचेंगे समाप्त में, कि जो आबरू लूटे। सुनेगा, अभी ताजा ताजा मामला आपके सामने हुआ है समाप्त में, जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो। अगर आप सच पे नहीं बोल सकेंगे तो मैं समझूंगा आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। कि जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो, फांसी। बहुत अच्छा वैसे भाई, वाह वाह। जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो, जो आबरू लूटे उसे फांसी की सजा दो। ये मौत का पैगाम सुना क्यों नहीं देते? सुना क्यों नहीं देते? और साजिश, साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो, लेकिन कि साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो, लेकिन फंसाते तो हो, लेकिन साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो, लेकिन साजिश के तहत हमको फंसाते तो हो, लेकिन क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते? बता क्यों नहीं देते? बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते? और गद्दार जो सुनेगा सदर मुशारा, कि गद्दार जो कहते हो दलील इसकी तो कुछ दो। बहुत अच्छे भाई, दलील इसकी तो कुछ दो। गद्दार जो कहते हो दलील इसकी तो कुछ दो, गद्दार जो कहते हो दलील इसकी तो कुछ दो। मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते? सजा क्यों नहीं देते? बीमार को दामन की हवा क्यों नहीं देते? हवा क्यों नहीं देते? और तुम मेरी तरह। मैं महाराज जी को यह शेर सुनाना चाहता था, लेकिन समाप्त में, कि तुम मेरी तरह खुद को समझते तो हो, लेकिन समझते तो हो, लेकिन तुम मेरी तरह खुद को समझते तो हो, लेकिन तुम मेरी तरह खुद को समझते तो हो, लेकिन दुश्मन को मेरी तरह दवा क्यों नहीं देते? दवा क्यों?